स्टेयरिंग नहीं करेंगे, इससे एयर इंट्रैपमेंट होगा। ठीक, तो ये वैनिशिंग क्रीम है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न हाउ टू प्रिपेयर अ वैनिशिंग क्रीम। तो वैनिशिंग क्रीम कैसे बनाएंगे आज हम देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो एम आज का मैंने रखा है 20 ग्राम ऑफ वैनिशिंग क्रीम। फॉर्मूला अगर देखा जाए वैनिशिंग क्रीम का, सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं स्टेरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, मिथाइल कार्बाइड, परफ्यूम, हम लोग यूज करेंगे रोज ऑयल एंड प्यूरिफाइड वाटर। 100 ग्राम के लिए क्वांटिटी दी गई है, 20 ग्राम के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट की गई। तो 20 ग्राम के लिए देखा जाए तो 5 ग्राम हमको यूज करना है स्टेरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 0.16 ग्राम इसको कन्वर्ट कर दिया गया है एमजी 1000 से मल्टीप्लाई करके। ग्लिसरीन 2 ml यूज करेंगे, उसी तरह से मिथाइल कार्बाइड 0.04 ग्राम, इसको एमजी में कन्वर्ट किया गया 40 ग्राम्स। और रोज ऑयल की वेस्ट यूज करेंगे, वाटर यूज कर रहे हैं 12.8 ml। तो क्रीम देखें, सबसे पहले क्रीम क्या है, तो क्रीम अगर आप देखें तो क्रीम कहा जाता है कि सेमी सॉलिड फॉर्मूलेशन, ये एक सेमी सॉलिड फॉर्मूलेशन है पहली चीज। दूसरा, इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज करेंगे, यानी इसको हम लोग यूज करेंगे एक्सटर्नल यानी स्किन टेम्पलेट। ठीक, तीसरी जो बात करेंगे तो क्रीम है दैट इज इमल्शन, ये इमल्शन है और ये इमल्शन है ऑयल वाटर। ठीक, अब इमल्शन अलग है, तो इस इमल्शन में हम लोग को यूज करना है इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट। और अगर फॉर्मूले में देखें तो हमें कहीं पे भी इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं दिख रहा है। स्टेरिक एसिड की बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, मिथाइल पैराबेन, परफ्यूम एंड प्यूरिफाइड वाटर, यानी यहां पे हमको चाहिए इमल्सिफाइंग एजेंट। और यहां पे जो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे वो यूज करेंगे सोप। अब ये सोप कहां से आएगा वो देखें, तो सोप के लिए अगर आप देखें तो सोप को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए, एक तो फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस एल्कोहल। और इसका जो रिएक्शन होता है तो फैटी एसिड सॉल्ट बनता है। ये जो फैटी एसिड सॉल्ट है इसी को हम कहेंगे सोप, यानी यहां पर जो सोप है दैट इज द रिएक्शन बिटवीन फैटी एसिड एंड एल्कोहल, दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड सॉल्ट। और ये जो फैटी एसिड सॉल्ट है इसी को सोप कहेंगे, तो सोप हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। तो आज हमको सीखने के लिए यही सीखना है कि ये जो इमल्शन, क्योंकि इमल्शन ऑयल वाटर, तो स्टेरिक एसिड देखें, ये आपको ऑयल के लिए मिल जाएगा, ये वाटर, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे, इनको मिक्स करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए। और वो इमल्सिफाइंग एजेंट मिलेगा कहां से, तो मैंने कहा फैटी एसिड। अब यहां पर फैटी एसिड का यूज हो रहा है स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड ये फैटी एसिड है और एल्कली हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये स्टेरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बीच में जो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन से क्या बनेगा, सोप। और यही सोप एक्ट एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी ये जो स्टेरिक एसिड में तो ये यूज हो रहा है, ये पूरी तरह से सोप नहीं बनेगा, दैट इज अ पार्शियल सेपरिफिकेशन हम लोग यूज करते हैं, पार्शियल सेपरिफिकेशन, पार्शियल सेपरिफिकेशन, यानी थोड़ा सा सोप बनेगा, बाकी जो स्टेरिक एसिड बचा उसी स्टेरिक एसिड को वाटर के साथ मिक्स करें। तो सीखने वाली बात यहां पर सिर्फ ये है कि जब भी कोई भी क्रीम हम लोग यूज करेंगे उस क्रीम में देखें तो फैटी एसिड और एल्कली, और एल्कली में तमाम तरह के एल्कली यूज करते हैं, जैसे एल्काइल यूज किया गया, किसी किसी में आपको बोरेक्स मिलेगा यूज करने के लिए, और कई कई में मिलेगा ट्राई इथेनोन लामाइन, ये तीन चीजें मिलेंगी ट्राई इथेनोन लामाइन। तो हम केरेज भी यूज कर सकते हैं, बोरेक्स भी यूज कर सकते हैं और ट्राई इथेनोन लामाइन। कोल्ड क्रीम के फॉर्मुलेशन में आप देखेंगे तो वहां पे बोरेक्स मिलेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मुलेशन में कि हम स्टेरिक एसिड और केरेज के बीच में पार्शियल सेपरेशन होगा जिससे सोप बनेगा और ये सोप इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, एक चीज भी होगी, तो यानी स्टेरिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ग्लिसरीन को यहां पे यूज कर रहे हैं, ये ग्लिसरीन ह्यूमेक्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं, ह्यूमेक्टेंट। और ये ह्यूमेक्टेंट का काम क्या है, ये जो मॉइस्चर है इसको प्रिवेंट करता है, मॉइस्चर को स्किन में प्रिवेंट करेगा, और इसे प्रिवेंट करने से क्या है, स्किन हमारी मॉइस्चर होगी, स्किन में मॉइस्चर यानी स्किन हमारी मॉइस्चर
तो आपको पता चल गया सेमी सॉलिड है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इमर्शन है, वो भी ऑयल वाटर। वैनिशिंग फिल्म इसको क्यों किया गया, वैनिश का मतलब होता है गायब, डिसअपीयर, वैनिश का मतलब होता है डिसअपीयर। तो ये जो क्रीम है ये स्किन पे लगाकर डिसअपीयर हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वैनिशिंग क्रीम। ठीक, इस और इसका दूसरा नाम भी है फाउंडेशन क्रीम, जिसको कहते हैं फाउंडेशन क्रीम, जिसको कहते हैं फाउंडेशन क्रीम। फाउंडेशन क्रीम का क्या मतलब है कि फाउंडेशन एक्चुअली क्या होता है, स्किन पे इनविजिबल लेयर बनाता है, और ये फाउंडेशन क्रीम इसमें यूज करते हैं जो मेकअप किया जाता है, इस मेकअप को होल्ड करता है लॉन्गर टाइम, लॉन्गर टाइम। यानी कि भी मेकअप आप इसको वैनिशिंग क्रीम लगाने के बाद, उसके बाद मेकअप करेंगे, यानी जो जो भी कॉस्मेटिक सिस्टम अप्लाई करेंगे उसको लॉन्गर टाइम तक होल्ड करेंगे। तो इसका इंटेंशन है, एक तो डिसअपीयर हो गया, तो डिसअपीयर होने से इसका यूज इसका बहुत सारे लोग यूज करते हैं, अपीयरेंसेस का चल रहा है। दूसरा यूज किया जाता है फाउंडेशन में, फाउंडेशन में यूज किया जाता है कि मेकअप को होल्ड करेगा लॉन्गर टाइम तक, यानी कि कॉस्मेटिक इसके बाद अप्लाई करेंगे इसको लॉन्गर टाइम तक यूज करेगा। और तीसरा जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसको मॉइस्चराइजर के तौर पर यूज करेगा, मॉइस्चराइजर स्किन को मॉइस्ट कर देगा, जिससे स्किन का जो ग्लोइंग सिस्टम है क्या होता है बढ़ जाता है। अब देखिए इसका प्रिपरेशन कैसे है, कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपेयर करने के लिए दो सिस्टम है, एक तो हम लैक्वस फेस तैयार करेंगे और एक ऑयली फेस तैयार करेंगे। तो दो चीजें लेना है, तो चाइनाडिस लेना है, दूसरा बीकम लेना है। चाइनाडिस का हम स्टेरिक एसिड रखेंगे, स्टेरिक एसिड लेने के बाद उसको हीट करके वाटर बाथ पे और एक मेल्ट करेंगे, मेल्ट करेगा, टेम्परेचर हमको मेंटेन करना 70°C। मी वाइल हम लोग बीकम लेंगे और उस बीकम का रेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट हम सारे ले लेंगे, जैसे और इस चाइना डिश को रखेंगे वाटर बाथ पे, ये वाटर बाथ ऑन है, और यहाँ से पहले इस रिंग को हटाएंगे और इस पे रखेंगे चाइना डिश ये, और चाइना डिश पे हम लोग पहले ऐड करेंगे स्टेरिक एसिड, हमारा स्टेरिक एसिड है, और इस स्टेरिक एसिड को इसमें ऐड करेंगे और ये मेल्ट हो। मीनवाइल हमको क्या करना है,
एक्वस फेज भी प्रिपेयर करना है जिसमें हम लोग रखेंगे बीकर, और इसमें रेस्ट ऑफ जो इंग्रेडिएंट हैं जैसे KOH है तो सेपोनिफिकेशन पर्पस से इसको ऐड करेंगे। मिथाइल पैराबेन और ग्लिसरीन, अभी ये स्टेरिक एसिड मेल्ट हो रहा है। स्टेरिक एसिड मेल्ट हो गया है और ये हमारा अर्ली फेज और एक्वस फेज, अब दोनों का टेम्परेचर देखेंगे कितना टेम्परेचर है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए और ये टेम्परेचर 60 अबव, इसका टेम्परेचर देखें। ऑयल का टेम्परेचर चेक करते समय इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो कंटेनर है उसका बॉटम टच नहीं होना चाहिए। इसका भी टेम्परेचर 60 अबव यानी मोर और लेस 70 के आसपास पहुंच रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्वस फेज को ऑयली फेज में मिक्स करेंगे, यानी ये जो एक्वस फेज है इसको ऑयली फेज में मिक्स करेंगे। ऑयली इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्टेरिक एसिड है। अब इसमें जो KOH है पार्शियल सेपोनिफिकेशन करेगा स्टेरिक एसिड का, तो अब देखते हैं होता है कि नहीं। अब ये हीट हो गया, अब इसको मिक्स करेंगे इसको ड्रॉप बाई ड्रॉप। इसको मिक्स करेंगे ऐसे, और ये देखिए सेमी सॉलिड सिस्टम में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये हमने सारा मिक्स कर दिया, अब इसको वाटर बाथ से इसको रिमूव करेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे जब तक ये ठंडा ना हो। इसमें हमने लिया, अब इसको मिक्स करेंगे ऐसे, और ये जैसे जैसे कूल होता जाएगा वैसे वैसे सेमी सॉलिड सिस्टम में कन्वर्ट होता जाएगा। ये आपको मिक्स करना विग्रस स्टेयरिंग नहीं करेंगे, इससे एयर इंट्रैपमेंट होगा और एयर इंट्रैपमेंट होगा, एयर जब इसमें इंट्रैप हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों को माइल्ड स्टेयरिंग करनी है, बहुत विगरस स्टेयरिंग हमको नहीं करनी है। और ये देखें ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इमल्शन जितने भी होते हैं वो सारे वाइट इन कलर होते हैं, तो ये भी वाइट इन कलर हो रहा है। और ये जैसे जैसे ठंडा हो रहा है ये देखें सेमी सॉलिड सिस्टम में कन्वर्ट होता जा रहा है, और ये जब ठंडा हो जाएगा तो पूरा सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कन्वर्ट बन जाएगा हमारा वैनिशिंग क्रीम। तो इसको इस तरह से हम लोग मिक्स करते रहेंगे, ये देखिए सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हुआ ये। ये हो गया हमारा वैनिशिंग क्रीम, ये सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन, अभी ठंडा नहीं हुआ पूरी तरीके से, और ये हमारा हो गया वैनिशिंग क्रीम। ठीक, तो ये वैनिशिंग क्रीम है, इस तरह से वैनिशिंग क्रीम को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू।